लीजिए सरकार से, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1000 रुपया वो हमें पेंशन देता है, आप ही बताइए क्या निकलेगा उस 1000 रुपये से। हमारी पेंशन हो जाए डिसेबिलिटी के हिसाब से, आप पेंशन कीजिए, जिसकी कितनी डिसेबिलिटी उसके हिसाब से एक स्लैब रखिए, 5000 से आप ये पेंशन स्टार्ट कीजिए, अगर 40% वाले को 5000 वैसे ही आप एनहेंस कीजिए, ताकि आपको पता ही है कि आजकल की जो इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँची है, 1000 से क्या होगा। और एक और मुतालबा है हमसे, जो मतलब मैं कहता हूँ कि हर किसी कम्युनिटी का एक कमीशन होता है, हमारे लिए भी एक डिसेबिलिटी कमीशन है, लेकिन अभी तक वो मतलब फंक्शनल में नहीं है, क्योंकि उसका जो कमिश्नर है ना, पिछले सरकार ने ऐसा क्राइटेरिया रखा, ऐसे एलिजिबिलिटी उस कमिश्नर के लिए रखा है जो जो एलिजिबिलिटी कोई क्रॉस नहीं करता है। जिस तरह UPSC में सिंपल ग्रेजुएशन होती है, इसमें भी आप ग्रेजुएट रखिए और दो तीन साल की एक्सपीरियंस रखिए, लेकिन उतने बड़ी 20 ईयर्स 30 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस उन्होंने रखी है वो ठीक नहीं है। और एक और मुतालबा है हमसे, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ LG सरकार से, इस कम्युनिटी की तरफ देखिए, ये कम्युनिटी पता नहीं क्या किए उन्होंने इसको, अगर उनके पास इनके लिए पेंशन या रोजगार नहीं है तो खत्म कीजिए इस कम्युनिटी को, खत्म कीजिए इस कम्युनिटी को। हर बार हमें प्रोटेस्ट में आना होता है, ये शर्म की बात है, ऐसे डिसेबल पर्सन प्रोटेस्ट में आते, क्या हमारे पास राइट नहीं है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जब प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में ही मेंशन है, तो ये वही क्या है, क्या उस वही में हम नहीं आते, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है प्रियम्बल में, क्या उस वही में हमारी कम्युनिटी नहीं आते हैं। शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हर रोज हमें प्रोटेस्ट में आना होता है, हर रोज हमें सड़कों पर आना होता है हमारे हक के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, हम पत्थर नहीं चला सकते, हम पत्थर नहीं चला सकते, हमारा एक ही व्यवहार है वो प्रोटेस्ट है, तो आज हम प्रोटेस्ट करते हैं। डिपार्टमेंट हमारे माजूर अफराद के लिए नोडल एजेंसी है, जिसको हमारे सभी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंस है, उनको एड्रेस करना है। हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और GAD डिपार्टमेंट में जाके हमने वहाँ पे अपने जो रिप्रेजेंटेशंस है वो डाली थी, कि जो JKSSB पोस्ट्स नोटिफाई कर रहा है कि हमें अपना कोटा जो 4% है वो दे दीजिए। जो SSB ने 5000 पोस्टें मुश्तहर की, सिलेक्शन लिस्ट निकाला, लेकिन हमारे 200 पोस्ट बनते थे वो मुश्तहर नहीं हुए। हमें 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है माजूर अफराद के लिए, जिसमें हमारी ज़िंदगी इस वक्त इस जो राइजिंग प्राइसेस है, जो बेरोज़गारी का ज़्यादा फुकदान और मतलब ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है, तो हमें ज़िंदगी जीने में बहुत मुश्किल होती है। जो हमारे ब्लाइंड पर्सनस हैं, जो हमारे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, उनको बोला जाता है कि आपके लिए क्लास 4 जॉब्स नहीं है। अगर क्लास 4 जॉब्स हमारे लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर। हमने GAD को, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिप्रेजेंटेशन दे दी, हमें आश्वासन मिले, हमें ये कहा गया कि आप यकीन दहनी रखो कि हम आपको जॉब्स देंगे, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स एंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसका कहा गया था कि एक्ट को लागू किया जाएगा, लेकिन एक्ट लागू ही नहीं हो जा रहा है। और जो हमारे 21 टाइप्स के डिसेबल्ड पर्सनस हैं, जिसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको 4000 रुपये की दवाई लगती है, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी है बहुत अजीरन बन चुकी है, हम मजबूर हो रहे हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे सड़क पे आना पड़ता है। हम आज सिविल सेक्टर पे आए हैं, हम सब वक्ती सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सेक्टर का घेरा हर रोज़ करेंगे, हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो। देखिए, एक अवार्ड से हम 3 लाख डिसेबल लोगों को खाना नहीं खिला सकते हैं। हम जो इस वक्त पॉपुलेशन है 10 लाख लोग, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, जो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हादसा हो रहे हैं, साइकेट्री इश्यूज बढ़ गए हैं, तो उससे 10 लाख लोग हमारे जिस्मानी तौर माजूर है, और उस 10% पॉपुलेशन को हम अवार्ड से खिला नहीं सकते हैं, उनके हकूक नहीं दिला सकते हैं। तो बेहतर है कि हमें इंसानियत के दायरे से देखा जाए। जब हम डिसेबिलिटी डे होता है तब बोला जाता है कि आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी ज़िंदगी के हो, आप इंसान हो, लेकिन जब बाकी दिन आते हैं 364 दिन में हमारे राइट्स को पामाल किया जाता है और कोई भी जो हमारा हक है उसको पूरा नहीं किया जाता है।